आपकी प्रॉपर्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी और मैं हूं सगुना, जहां पर आज हम करेंगे बात कि आखिर क्या वजह है कि मार्केट में डिमांड नहीं है घरों की, फ्लैट्स की, लेकिन फिर भी जो कीमतें हैं डेवलपर्स के द्वारा वो यहां पर बढ़ाई जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ललित टेकचंदानी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ हैं पंडित सुरेश कौशल जी, वास्तु एक्सपर्ट के तौर पर साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो यहां पर एक बात देखी जा रही है कि घर खरीदने का ख्वाब संजोए हर शख्स को, ये जानकर बहुत धक्का पहुंचेगा कि दिल्ली एनसीआर में घर तो है लेकिन खरीदार जो है वो यहां पर नदारद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप घर खरीदने पहुंचते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो आपकी पहुंच से दूर ही होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का एक सरल सा नियम है और वो ये है कि कीमतें डिमांड और सप्लाई के मुताबिक घटती या फिर बढ़ती हैं, लेकिन वो इस सेक्टर पर फिलहाल लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि तमाम नेगेटिव वजहों के बावजूद घरों के जो दाम है उनमें गिरावट तो बहुत दूर की कौड़ी है, बल्कि वो तो आसमान छूने का सफर तय करने में लगी हुई है। बजट से दूर हो रहा है घर, खाली मकानों की बढ़ गई तादाद, लेकिन फिर भी बढ़ रही है कीमत और महंगा और दूर हो रहा है एक अदद घर का ख्वाब। आंकड़ों में लिपटी कहानी जब एक एक करके सच्चाई की परतें उधेड़ने लगती है तो लगता है कि कोई तो सुनेगा, किसी के कानों पर तो जू रेंगेगी, लेकिन अफसोस तब होता है जब कहानी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है और कहानी के खत्म होने के बाद भी आम आदमी को खून के घूंट पीकर ही रहना पड़ता है। एक प्रॉपर्टी शो में आपको ये शब्द सुनकर शायद हैरत हो रही होगी, लेकिन जब बात तीन जरूरी चीजें यानी रोटी, कपड़ा और मकान की आती है तो आम आदमी के अंदर से इस तरह के अल्फाजों के अलावा कुछ और निकलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने की जिम्मेदारी उठाई है कुछ आंकड़ों ने, जो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि किस तरह उसे गृह प्रवेश से रोका जा रहा है। अब आंकड़ों की जबानी ही बात करते हैं। इस साल के पहले 8 महीनों यानी जनवरी से अगस्त के दरमियान दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 42% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दूसरी तरफ सितंबर में खत्म हुई तिमाही में पिछले साल के मुकाबले घरों की कीमतें 24% तक बढ़ चुकी हैं। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में घरों की औसतन कीमत करीब 14% बढ़कर